वही धोती देते हुए बोले, बहन हमारे पास तो यही है। श्री सीता जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मेरी माँ के पास दो ही धोतियां हैं, एक तुम ले आए। माँ से कहना कि उनके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं, ये ले जाओ, वापस ले जाओ। प्रयागदास के पास धोती रख दी। प्रयागदास ऊपर देखने लगे, जानकी मैया ने हृदय से लगाया। फिर धीरे 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 श्री सीताराम, राम जी को भी देखा, प्रयागदत्त ने प्रणाम किया। सीताराम जी धीरे धीरे हाथी पर जाकर विराजमान हुए। ये दृश्य विलीन हो गया, कुछ न दिखाई पड़े। अब तो प्रयागदत्त रोने लगे, भाव विह्वल दशा हो गई। सवेरे एक महात्मा निकले, उन्होंने प्रयागदास की जब यह दशा देखी, समझ गए कि इन पर कृपा हो गई है, श्री किशोरी जी की कृपा हुई है। अपने आश्रम ले आए। दोपहर को दो देवियां आईं स्वर्ण थाल में भोजन लेकर। दो थाल थे, कहा हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, ये प्रसाद पाओ, थाल वापस ले जाएंगे हम। कोई नहीं आया वापस लेने। महात्मा समझ गए कि श्री जानकी जी ने ही अपने भैया की पहुनाई की है। अब महात्मा बोले, ये थाल तुम्हारे कारण आया है, तुम वापस ले जाओ, ये थाल तुम वापस ले जाओ। और प्रयागदास कहें कि मैं बहन का ये थाल लेकर जाऊंगा तो माँ विरोध करेगी, आपके आश्रम में आया है, आप ही रखो। दोनों ने सलाह करके स्वर्ण के वे दोनों थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। और प्रयागदत्त सवेरे चले, भगवान की लीला, मार्ग में सोए, जगते ही गांव पहुंच गए। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था, बेटे को हृदय से लगाया। कहाँ गया था? बहन के पास। देख राखी बंधा के आया हूं। माँ ने राखी देखी। प्रयागदास कह रहे थे कि दिन में तो कोई पता लगा नहीं। प्रयागदत्त बोले, कोई पता नहीं लगा, बहुतों से पूछा, लोग कहते थे भगवान हैं और क्या, पर रात को आए थे, अकेले में आए, और ठीक भी था। अब इतने बड़े आदमी सबके बीच में कैसे ये बतावें कि मैं उनका भाई हूँ? क्योंकि माँ बड़ा अंतर, पायन में पन ही नहीं थे, इधर पाँव में जूता नहीं, पायन में पनहीन इते, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, जाह विनीत लिखी अवनी, तेहकी भगनी गजराज बिराजी। जिसके भाग्य में पैदल चलना लिखा, उसकी बहन हाथी पर बैठी। मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मुहे मांझी। क्या प्रयागदत्त बोले, बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन ने तो दो चार बातें कही, पर बहनोई बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे। माँ ने कहा, बड़े संकोची हैं वे। और माँ ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा, आंसू बरसने लगे। प्रभु जानकी जी, आपने लाज रख ली मेरे वचन की। अब प्रयागदत्त बार बार कहते, माँ मैं जाऊं, अब अभी नहीं, बड़ा हो जाए। जब बड़े हुए तो कुछ कुछ समझ में आने लगा। एक दिन माँ का शरीर शांत हुआ, अंतिम संस्कार कृत्य आदि करके अयोध्या आ गए। और अयोध्या में एक स्थान पर आकर वैष्णव संस्कार हुए, दीक्षा ली, नाम हो गया प्रयागदास। श्री जानकी जी के भैया हैं तो सब लोग उनसे कहते मामा प्रयागदास, मामा प्रयागदास। कथा में बैठते बड़े आनंद से कथा सुनते, किसी से लेना नहीं देना नहीं, और इसी भाव में डूबे रहते। एक दिन श्री राम वनवास की कथा सुन ली।
कि श्री सीता जी भी वन में गई, राम जी गए, लक्ष्मण जी गए। अब वह बैठे बैठे कहने लगे, बताओ ऐसा भी कहीं होता है झगड़ा किस घर में नहीं होता, पर थोड़े से झगड़े पर क्या घर छोड़ दो। पर राम जी गए और हमारी बहन को भी ले गए और लक्ष्मण भैया भी गए, कितना कष्ट पाते होंगे ये वन में। और रोने लगे, पता नहीं अब आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा था। ब्यास जी से पूछा, कहाँ होंगे अभी वन में इस समय? तो ब्यास जी ने ऐसे ही कह दिया, चित्रकूट में। बस अब लोगों से कहते, भैया कुछ दे दो। क्यों? अब जानते हो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर वो चले गए वन में और तीनों कितने परेशान होते होंगे, उनके लिए कुछ सामान लेकर जाना है। लोग प्रसन्न होते और देते। तीन पलंग बनवाए, तीन जोड़े जूते और कपड़े अपने सिर पर रखकर अयोध्या से पैदल चित्रकूट गए। ये भक्तों का ढंग ही अलग होता है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। पैदल पैदल गए चित्रकूट, मंदाकिनी गंगा के किनारे फटिक शिला पर खड़े हो गए। अब कहने लगे, राम जी आ जाओ, हम नाराज तो बहुत हैं लेकिन अब नहीं है, आ जाओ, हमारे डर से छिप रहे हो जंगल में। और बहन, मेरी बात तो सुन, तू तो आ जा। और लक्ष्मण भैया, कोई नहीं आ रहा है, दिन भर बोलते रहे, रात भर बोलते रहे, नहीं आया। तो दूसरे दिन जंगल में ही घुस गए। अब चित्रकूट का जंगल, मंदाकिनी के उस पार का जंगल, झाड़ियों में कपड़े उलझे पर बढ़ते जाएं, भगवान से रहा नहीं गया, प्रकट हो। श्री सीता राम लक्ष्मण को देखा तो चरणों में गिर गए, फिर आंसू बहाते हुए बोले, घर काहे को छोड़ दिया, और ये बहन ने भी तुम्हें नहीं समझाया, और लक्ष्मण भैया तो चाहते ही यही थे कि वन में चले। लो अब ये पलंग पर बैठो, ये जूते पहनो, ये कपड़े हैं, आराम से रहो। भगवान ने कहा, हम वनवासी हैं, नियम है, पलंग पर नहीं बैठेंगे, जूते नहीं पहनेंगे। तो बोले, पलंग पर न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने। अरे ऐसा किस तरह का नियम, सुख से रहो। और रोने लगे। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, इनको श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, यह बड़े दुखी हो रहे हैं, इन्हें अपने साकेत का दृश्य दिखा दीजिए। भगवान ने साकेत का दृश्य उपस्थित किया, इतना ठाठ बाट, ये जो प्रयाग दास ने देखा। कहने लगे, अरे भाई तुम तो बड़े ठाठ से रहते हो, और हमको लग रहा था कष्ट पाते होंगे चित्रकूट में, हमने किसी से मांगा नहीं आज तक, आज मांग कर आए, ये कलंक कौन लगाया, अब क्या हो इस पलंग का। भगवान बोले, प्रयागदास जी अब इस पलंग का उपयोग आप करो, जूते आप पहनो, ये कपड़े आप। समझाया, प्रणाम करके चले। अब एक पलंग सिर पे रखे, कपड़े सिर पर रखे, जूता पहने, प्रयाग गए। अब प्रयाग में था माघ मेला, तो प्रयाग के पहले ही एक नीम के वृक्ष के नीचे अपनी खाट बिछाई।